हेलो, कैसे हो सब लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले कलर को अच्छे से गीला करना है, उसके बाद इसके आगे कुछ काम होगा। और आज का बहुत इंटरेस्टिंग ड्राइंग है, मज़ा आएगा आज क्लास में, है ना? और स्टील लाइफ का ये आज चौथा क्लास है, तो आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो कि क्लास कब तक चलना चाहिए एक सब्जेक्ट को लेकर? कि क्योंकि अभी तक ये चार क्लास है, आप लोग मुझे बताओगे नहीं कि हाँ आप दो टॉपिक चेंज करना चाहिए या कुछ, तो फिर मुझे कैसे समझ आएगा? एक कमेंट करके तो बता सकते हो, तो कमेंट करके जरूर बताना कि और स्टिल लाइफ पर कितना क्लास चलना चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10, कितना, 15 दिन 20 दिन, कितना, जितना भी, ठीक है, बता सकते हो। और आज का कमेंट में अच्छा लगा कि आप लोगों ने बताया कि ड्राइंग साथ में मुझे करना चाहिए, उससे भी आप लोगों को हेल्प हो रहा है, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है, अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो कंटिन्यू रहेगा, ड्राइंग साथ में करेंगे और ड्राइंग से भी आप लोगों को ड्राइंग में भी कुछ सीख सको। लेकिन ये टॉपिक के बारे में जरूर बताना कमेंट करके कि और कितना चाहिए स्टिल लाइफ पर, और कितना पेंटिंग बनाना चाहिए हम लोगों को। अच्छा, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम में पेंटिंग भेज रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं भेज रहे हैं। क्यों? कुछ लोग इंस्टाग्राम से जुड़ ही नहीं रहे हैं। अगर हेल्प चाहिए, अगर गाइडलाइन चाहिए, तो इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो, लेकिन जिनको अगर नहीं चाहिए तो अच्छा है, नहीं भेज रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर करेक्शन चाहिए, थोड़ा सा गाइड चाहते हो कि मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे हुआ है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भेज देना, और अगर नहीं तो फिर कोई नहीं, आप सही हो, काम करो बस। तो आज का जो रेफरेंस है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देखो, छोटा सा एक मैंने ऑब्जेक्ट लिया है, लेकिन ये मज़ा आएगा बनाने में। ठीक है, अभी तक मैंने इस तरह का 8-10 पेंटिंग बना चुका है। ठीक है, तो क्योंकि मुझे मज़ा आता है इस तरह का पुराना जूता वगैरह बनाने में, पता है, सिर्फ पहनने में मज़ा आता है नया चीज़ को बस, लेकिन पेंटिंग आप करो ना तो जितना पुराना चीज़ को बनाओ उतना मज़ा आता है ना? तो आज ये बनाते हैं, चलो सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। और इसको ड्रॉ करने का आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा ट्रिक तो है नहीं कि भाई जादू वाला जिसको हम बता सके आपको कि ये अपना लो तो ये फटाका बन जाएगा, ऐसा नहीं है। बस आपको इस पे तो थोड़ा सा ध्यान से, इसमें क्योंकि इसमें इतना थोड़ा सा थोड़ा लेंदी है ड्राइंग, क्योंकि इतना कुछ है इसमें, फीता वगैरह है, तो आपको थोड़ा सा नज़र तेज रखना पड़ेगा, है ना? ये स्टिल लाइफ पर चौथा क्लास है, लेकिन चारों क्लास में मैंने आपको अलग अलग चीज़ों को दिखाया है, और अलग अलग चीज़ को मैंने सिखाने का कोशिश किया, एक्सपीरियंस अपना शेयर किया आप लोगों के साथ। और इसको बनाने का आज मेरा जो मेन रीज़न है ना, इस पे बैकग्राउंड जो मैं बनाने वाला हूँ कुछ अलग होगा, कि क्योंकि वो मेरा कुछ खुद का एक्सपीरियंस है जिसको मैं इस पे अप्लाई करने वाला हूँ। अभी देखो मज़ा आएगा, और वो चीज़ आप लोग भी सीखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ड्राइंग आपको इस तरह से इसको कर लेना है, आप लोग कमेंट में बताते रहो बस। आप लोग कमेंट करते हो, मुझे समझ आता है कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कितना डिटेल से देख रहे हैं, या मैं जो बोलता हूँ उसको लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे समझ आता है कि भाई हाँ लोग देख रहे हैं, क्योंकि कभी वीडियो में कुछ ऐसा चीज़ हम शेयर कर लें, अगर आप स्किप करके देखते हो तो फिर वो बाद में आप ढूंढते फिरोगे।
कि हाँ मैंने देखा नहीं, इसलिए स्किप करके देखना बंद करो, क्लास को ईमानदारी से करो। क्योंकि मैं जितना सीरियसली आप लोगों को सिखा रहा हूँ ना, अभी पता है रात के 2 बज रहे हैं, 2 बजने में देखो 11 मिनट बाकी हैं, तो मैं जितना सीरियसली आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ ना, मैं सिखाना चाह रहा हूँ, मेरे पास जो नॉलेज है उसको मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, अगर आप भी इतना सीरियस हो जाओ तो हम लोगों का रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है, जितने भी लोग हम लोग साथ में क्लास कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा बुद्धिमानी दिखाना नहीं है, ठीक है, स्किप करके भागना 1 घंटे का वीडियो को आज 10 मिनट 5 मिनट चला के, और उतना ही में सब कुछ समझ जाना। अगर 10 मिनट में ही सब समझ जा रहे हो तो क्या मैं पागल हूँ क्या? इससे सिर्फ आपको नुकसान है, किसी को कुछ नुकसान नहीं है। पेंटिंग सीखना चाहते हो फिर इसी से बेईमानी, ये क्या चक्कर है? अच्छा, कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग जितने क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो, या जितने लोग देखते हो, इसमें से रांची झारखंड से कितने लोग हो, है ना, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि मैं खुद ही रांची से हूँ। कभी ऐसा मौका मिले तो कुछ और भी सोचा जा सकता है, भी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन शायद अगर कभी टाइम मिल जाए तो कभी कांटेक्ट में आके प्लेन ईयर के लिए भी हम लोग जा सकते हैं आउटडोर, बट इस पर कोई मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद अगर फ्री रह जाऊँ तो। अगर बहुत ज़्यादा जन अगर जुड़े हुए हैं रांची से तो फिर मैं कोशिश करूँगा टाइम निकालने का। ये 45 डेज में मेरे से जितना बन पड़ेगा ना, मैं अपना 100% देने वाला हूँ, उसके बाद भैया मुझे नहीं पता। अच्छा, कुछ लोग बहुत प्यार से कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। वो चीज होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा लंबा लग रहा है, को लगता है हम जो बैकग्राउंड बनाना चाह रहे हैं ना, तो वो शायद नहीं बन पाएगा इसमें, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको यहीं से काटते हैं। देखो ये कोई घड़ा या गमला है नहीं कि बस फटाका तुरंत बन जाएगा ड्राइंग। ड्राइंग अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कलर थोड़ा सा इधर उधर कर दो ना, कलर वॉल्यूम या फिर जो भी, तो चलो चल भी जाए, लेकिन अगर आपका ड्राइंग मिस्टेक रहेगा तो वो चुभने लगेगा। कोई भी देखेगा ना पेंटिंग को तो ड्राइंग पहले ही चिल्लाएगा कि देखो कैसा बनाया हमको, है ना, इसलिए ड्राइंग में बिल्कुल अच्छे से ध्यान देके बनाना, क्योंकि ड्राइंग आपका अगर परफेक्ट रहा ना तो ड्राइंग थोड़ा सा अगर कलर लूज भी है, चलो अगर आपका कलर टोन नहीं आ रहा है, कलर वॉल्यूम मिस्टेक है, तो वो छुपा लेगा। कॉम्पोजिशन अगर ड्राइंग का सही है, सारा कुछ अगर सही है, तो वो छुपा लेगा, लेकिन अगर ड्राइंग ही मिस्टेक है, आप चाहे जितना भी मक्खन लगा के कलर कर दो, वो नहीं छुपा सकता है, देख के समझ आ जाएगा, वो बिगिनिंग वाला लुक देने लगेगा कि भाई ये नौसिखा खिलाड़ी ने बनाया है, ठीक है। तो कोशिश तो यही करना है ना कि मैं अच्छा करूं।
हम लोग हमेशा यही चाहते हैं कि पेंटिंग जब मैं करूं तो कोई देख के ये नहीं कहे कि कोई ने उसे का बनाया है। हम लोग एक पेंटिंग करते हैं तो सोचते हैं कि आप लोग उनको फॉलो करते हैं, मेरा पेंटिंग को लोग पसंद करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? जब आप अच्छा करते हो, जब किसी देखने वाले को लगता है कि ये खिलाड़ी अच्छा है, मजा हुआ है ना, तभी लोग आपको फॉलो करते हैं। तो ये चीज है, अभी इसको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से ये राउंड हो जाएगा। और फिर क्या करना है, इसको इधर, तो ये चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान दे के बनाना है, बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ करना है, और नहीं तो 4 घंटे निकल जाएंगे, समझ ही नहीं पाओगे कि कौन कहाँ से गया है, क्योंकि ये कोई घड़ा या गमला नहीं है। एक एक करके हम लोग एक एक स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं और इंटरेस्टिंग ड्राइंग के पेंटिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसको बस काउंट करते रहना है, ये 1 2 3 4 हो गया ना, ये 1 2 3 4 हो गया, और ये 5 पे भी इसी तरह जा रहा है, 5 पे भी गया, 6 पे भी जा रहा है, थोड़ा जा रहा है, 6 पे कम दिख रहा है बस, 7 पे, 7 पे तो इधर से आ रहा है, तो ये यहां से आ जाएगा, और इधर तो कुछ ज्यादा जिद दिखेगा नहीं इसमें, तो इधर पे डिटेल नहीं करना है ज्यादा, और ये इस तरह से यहां मुड़ा हुआ है। आपको बस अपना नजर तेज रखना है कि क्या हो गया, कैसे कभी कभी अपने ये निकल कैसे जाता है। तो ये मैंने बना लिया, इसके बाद कौन है, ये वाला है ना ऊपर वाला, तो इसको यहां से लाना है, ये चीज यहां से इधर आया हुआ है, और ये चीज यहां से गिरा हुआ है, यहां से ये यहां से पतला दिख रहा है, लेकिन इधर आके ये पूरा दिख रहा है इधर, तो ये चौड़ा हो जाएगा यहाँ। और इस ड्राइंग में देखो, इस एरिया को बिल्कुल अच्छे से हाईलाइट हमको फोकस करना है, ठीक है, तो इस एरिया को फोकस करना है हमको, और बाकी चीजों को इस पीछे वाले को थोड़ा सा हाइड करके रखना है, बहुत ज्यादा इस पर डिटेल नहीं करना है। उसके लिए आपको बस पेंट अच्छे से करना है, और ये एक पुराना जूता है, पता है इस तरह का पेंटिंग बनाने में बहुत मजा आता है। मैंने अपने जूते को भी इस तरह का लाइव रख के बनाया था। पेंटिंग अगर आप कर रहे हो ना, जितना पुराना चीज बनाओगे उतना मजा आता है, नया चीजों को सिर्फ पहनने में मजा आता है बस, है ना, है कि नहीं। लेकिन पेंटिंग अगर आप कर रहे हो तो जितना ज्यादा पुराना चीज है उतना मजा आता है काम करने में, ड्राइंग करने में, उसको एक चैलेंज होता है ना उसमें, यहाँ पे गंदा लगा हुआ है, यहाँ पर ये फटा हुआ है, ये सब चीजों को दिखाना तो एक इंटरेस्टिंग होता है।
तो ये ड्राइंग लगभग हो गया है, और इस पे अभी जो भी डिटेल्स होगा वो कलर के बाद होगा, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज्यादा है यार। क्या है ये स्टार लिखा हुआ है या कुछ भी, जो भी बाद में चलो लिख लेंगे, कोई नहीं। तो अभी ये देखना है कि ड्राइंग हम लोग का सही है कि नहीं, क्योंकि ये पुराना फटा उटा जूता है तो बहुत ज्यादा, ये एकदम नया जूता जैसा बनाना भी नहीं है कि नहीं। दिन को ना बिल्कुल दिन को टाइम नहीं मिल पाता, जिसके वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाता हूँ, क्लास नहीं बना पाता हूँ, इसलिए मैं रात को करता हूँ। लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया, इसलिए आज 2 बज गया और अभी तक मैं ड्राइंग ही कर रहा हूँ। हर दिन मैं इस टाइम पे लगभग कंप्लीट कर लेता हूँ कभी कभी, और कभी तो हो भी जाता है। तो ये चीज हो गया, अभी इसको इधर से डबल डबल कर देना है। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, मैं हर वीडियो में सिर्फ इसलिए बोलता हूँ कि आप वीडियो को शेयर जरूर करो, ताकि किसी को अगर जरूरत हो तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी हेल्प हो जाए। तो ये मैंने एक ड्राइंग कर लिया है इसको, अभी इस पे चलो, यहाँ पर मिस्टेक लग रहा है, लेकिन देखो ये सीधे यहाँ से आके ना राउंड हो जाएगा, है ना, ये यहाँ से कट जाएगा, मैंने मिस्टेक कर दिया था। चलो अब इसको पेंट करते हैं हम लोग, मजा आएगा पेंट करने में इसको, क्योंकि तो अभी क्या करना है, गेहूं का पानी प्लस फ्लैट ब्रश चाहिए, तो देखो ये सब ब्रश मैं यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हो एक फ्लैट ब्रश है और यह सिंथेटिक ब्रश जो मैं डिटेल्स के लिए यूज करता हूँ, और ये ब्रूस्ट्रो मैं यूज करता हूँ, ठीक है। आप कर सकते हो इस तरह का ब्रश भी, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, सब अच्छा है। तो अभी देखना यह है कि किसका कब जरूरत होता है, उसके हिसाब से हम लोग यूज कर लेंगे। तो इस पे ये ड्राइंग में सबसे पहले क्या कर लेना है आपको, थोड़ा सा इसको एक लाइट वॉश करना है। लेकिन आज जो इफेक्ट मैं बैकग्राउंड पे बनाने वाला हूँ ना, तो कोशिश करना है कि बाहर पे ज़्यादा वॉश नहीं हो, है ना, सिर्फ यहीं पे ये चीज़ रहे, क्योंकि अगर बाहर इससे ड्राइंग से बाहर अगर वॉश हो जाता तो शायद वो इफेक्ट नहीं आएगा जो मैं चाह रहा हूँ, मैं जो बैकग्राउंड बनाना चाह रहा हूँ आज, ठीक है। और वो चीज ना, वो बैकग्राउंड इतना इजी है, मजा आएगा, आप तुरंत ही सीख जाओगे, लेकिन और लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग अगर वाटर कलर पेंटिंग के लिए, खास करके वो देखने में बहुत मजा आता है। तो अभी क्या करना है, ये थोड़ा सा अगर ड्राई हो जाता है, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं वाटर को, तो फिर हम इस पे कलर अप्लाई कर लेते हैं। तो तब तक क्या करते हैं, और हालांकि मैं इस पे चाहूँ तो कलर चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इस बार चेंज नहीं कर रहा कलर, क्योंकि फिर आप लोग समझ नहीं पाओगे ठीक से कि मैंने कितना सही बनाया है ना।
एंगल अगर चेंज कर ले तो शायद आप लोगों के लिए वो हेल्प हो जाएगा, लेकिन कलर चेंज इस पर नहीं करते हैं क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा हाँ मुश्किल वाला कलर भी नहीं है, कोई टफ नहीं है कि आपको वो कलर मिक्सिंग में बनाने में दिक्कत हो जाएगा तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने कलर चेंज कर दिया। ऐसा भी कुछ नहीं है क्योंकि ये ब्लैक है तो ब्लैक यूज कर सकते हो आज। मैंने कहा था ना कि ब्लैक आपको यूज नहीं करना है, लेकिन कोशिश ये करना है कि ब्लू के साथ ब्लैक यूज करो, डायरेक्ट ब्लैक नहीं यूज करना है और नहीं तो पेंटिंग को हार्ड कर देगा। लेकिन इसमें ये चैलेंज ये है ना कि यहाँ पर जो भी इसका फीता वगैरह ये वाइट है और जूता जो है इसका कपड़े का कलर जो है वो ब्लैक है, तो बात यह है कि इस पर कैसे किया जाए। अगर डायरेक्टली अगर हम वॉश कर दें, इतना जल्दी कैसे ऑब्जर्व कर लिया, ये ड्राई कैसे हो गया, कुछ है क्या अंदर में? चलो फिर से तो आ जा। तो सबसे पहले क्या कलर करना है हम लोग को, पहले कैम्बोज लेते हैं थोड़ा और इसको पहले वॉश करते हैं। ये व्हाइट बचा के आपको रखना है बस, कोई नहीं अगर लग भी जाए ना तो फिर उसको अब टिश्यू से रिमूव कर देना। देखो कैसे स्ट्रोक लगा रहा हूं मैं, और अभी क्या करना है जिस एरिया पे व्हाइट है उसको रिमूव करो यहां से। ये आपको सेम प्रोसेस को अप्लाई करना है, ठीक है? पहले आप एक बार गैम्बोस से इसको वॉश कर देना और उसके बाद कोई कलर अप्लाई होगा इस पे, उसके बाद हम उसके बाद डिटेल्स की तरफ चलेंगे। तो अभी थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं ड्राई होने के लिए, सारा खेल टाइमिंग का है, बस आपको जल्दबाजी में नहीं करना है पेंटिंग। चलो पहले इधर से करते हैं। तो हाँ ये मैंने बनाया था कलर, ये ब्लू एंड ब्लैक के साथ है ना, तो ये मुझे लगता है कि फैलना नहीं चाहिए, बस टच करके देखते हैं। देखो ये तैयार तो नहीं है लेकिन करके देखते हैं। हाँ ये होना चाहिए बस, और ये तो बिल्कुल तैयार नहीं है, ये सीधे पेंटिंग को खराब करेगा। तो कोई नहीं, तो डिफरेंस आपको देखते रहना है, ठीक है? और अभी इस पे कलर करते हैं हम लोग। देखो एक बार मैंने इसमें ब्रश में कलर लिया, इसको देखो ध्यान से देखना कि मैं एक बार को कितना दूर लेके जा रहा हूँ, जबकि ये सिंथेटिक ब्रश है ना, ये ब्रुस्टो नहीं है। देखो इसको जितना दूर आप लेके जाओगे ना आपका पेंटिंग उतना स्मूथ लगेगा, ब्रश का दाग नहीं आएगा। देखो आधे से ज़्यादा मैं कवर कर ले रहा हूँ सिर्फ एक बार में, अभी अभी लेना पड़ेगा कलर। देखो कितना दूर मैं लेके आया हूँ, लेकिन अगर मुझे लगता है कि ब्रूस्टो अगर मैं यूज करता ना तो ये पूरा कवर कर लेता मैं। तो ये कैसे होता है, सिर्फ आपको ब्रश में कलर रखना है ज्यादा, ठीक है?
ये चीज यहां से आएगा, और ये वाला एरिया इधर थोड़ा कैमरास यूज करते हैं हम लोग। फिर से ब्लैक ब्लू थोड़ा ये से आना ताकि थोड़ा डार्क कर दे। अभी क्या करना है, इधर से थोड़ा डार्क करना है। डार्क क्यों करना है, क्योंकि क्योंकि सनलाइट का जो सोर्स है ना, सोर्स ऑफ लाइट जो है वो इधर का है, ठीक है। तो इधर डार्क होगा और इधर लाइट होगा। और अभी ये ड्राई हो जाए ना तो फिर थोड़ा ब्लू, फिर इस वाले एरिया को करते पहले। और ये चीज को थोड़ा वाइट छोड़ के करना है बस। तो और इधर से ये चीज हो जाएगा, और यहाँ पर जहां पर भी ये चीज दिख रहा है तो आपको वहां पर ब्लैक कर देना है। जो वहां पर कपड़ा कपड़ा दिख रहा है सूट का, जूता का, ठीक है। लाइन यहाँ पे गया हुआ है बिल्कुल, तो इसको फिनिशिंग हम लोग कर लेंगे। अभी फिलहाल इसको कवर करते हैं, ये वाला यहाँ से ये भी दिख रहा है। और अभी ये थोड़ा ड्राई होना तो मजा आएगा, फिलहाल तब तक हमको इधर काम करना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर इसका कलर जो है थोड़ा सा अंदर का कलर जो चेंज है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग पैर डालते हैं ना, तो वो ये अंदर वाला पार्ट है, तो इसको थोड़ा सा इस पे कलर चेंज करते हैं हम लोग। सेम कलर नहीं रखेंगे क्योंकि सेम होता भी नहीं है, पता ही होगा ना। और अभी ये हो गया, अभी थोड़ा सा ये अगर ड्राई होता ना तो और मजा आता अभी ये चीज को। तो कोई नहीं, अभी सबसे पहले इसके सोल पे काम करते हैं। तो क्या करना है, थोड़ा सा आपको पर्शियन ब्लू लेना है, सिरिलियन ब्लू लो, और एक बहुत ही लाइट कलर के साथ थोड़ा ब्लैक टच कर लेना। कोई थोड़ा सा गंदा वाला कलर लगना चाहिए, बहुत ही क्लीन नहीं, क्योंकि जूता जो है ना वो पुराना है, तो आपको एकदम क्लीन कलर ज्यादा यूज भी नहीं करना है। ये थोड़ा हो गया, और इसको आपको स्प्रेड कर देना है। ठीक है, और इधर अब थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज करते हैं हम लोग। तो आपको सेम यहाँ पे जो कलर आपने बनाया ना उस पर थोड़ा सा
क्रिम्सन लैक मिक्स कर देना और फिर इधर अप्लाई कर देना। कोई भी आपको क्लीन कलर यूज नहीं करना है, बस ये चीज आप समझ लो, क्योंकि जूता आपको पुराना दिखाना है तो ज्यादा आपको चमक दमक वाला कलर नहीं करना है। ठीक है, अभी देखो, अभी यहां पर देखो, ये बिल्कुल व्हाइट दिख रहा है लेकिन इधर से थोड़ा सा शेड्स वाला कलर नजर आ रहा है, और ये भी कलर चेंज है यहां पर देख सकते हो। 1 मिनट, आप रेफरेंस देख पा रहे हो ना? हाँ, तो यहां पर देखो, यहां पर थोड़ा सा कलर चेंज है, यहां पे ब्लू जैसा लग रहा है और इधर शेड्स वाला कलर है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। और ये बिल्कुल हाईलाइट है, यहाँ पे व्हाइट दिख रहा है, ठीक है? तो ये चीज को ध्यान में रख के करना है। तो क्या करना है, इधर थोड़ा सा शेड्स वाला कलर बनाना है। अभी क्या, मैंने जो कलर बनाया था इसके लिए तो वो यूज कर लेंगे, और बहुत ज्यादा दूर तक खींच के नहीं लाना है आपको, ठीक है? थोड़ा दूर के बाद आपको ब्रश को साफ कर लेना है कपड़े से, उसके बाद फिर आपको एक दूसरे से मर्ज कर देना है। और अभी ये अगर थोड़ा सा अगर ड्राई हो गया होगा तो शायद नीचे का जो ये पार्ट जो है ना, डिजाइन जो इसका दिख रहा है, शायद ये भी बन जाए, लेकिन अभी नहीं, ये फैल जा रहा है, इसको टच नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे कलर करते हैं, तो इसके लिए भी क्या करना है आपको, थोड़ा सा वही सेम कलर लेना है और ये यहाँ पर राउंड जैसा होगा। आपको पता है ना कि जूता में ये वाला जो पोर्शन होता है ना, वो उभरा हुआ होता है, थोड़ा सा उठा हुआ टाइप का लगता है ना, ऊंचा जैसा दिखता है। तो ये चीज मैं आपको पेंट में दिखाना है कि भाई यहां पर आपको व्हाइट रखना है, और ये दोनों तरफ से, इधर का तो दिख नहीं रहा है, ठीक है? अगर इधर भी दिखता तो क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से बनाते हैं, ठीक है? इधर भी शेड्स और इधर भी शेड्स, और बीच में थोड़ा ये जो है ये हाईलाइट होता। तो अभी क्या करना है, एक तरफ दिख रहा है तो आपको सिर्फ एक तरफ ही शेड्स वाला कलर बनाना है, बस। ये हो गया, अभी ये थोड़ा सा ड्राई हो जाना तो फिर मजा आता काम करने में, लेकिन ये पता नहीं जल्दी ड्राई नहीं हो रहा है। हाँ, यही तो दिक्कत लग रहा है। कोई नहीं, अभी क्या करना है, चलो तब तक इस पर काम करते हैं। इसको एक ब्लू कलर के, थोड़ा सा ब्लू से आपको इसको इसको वॉश कर देना है। अब ये क्या चीज़ है पता है ना, कि जूता में इस तरह का सामने में कोई भी ब्रांड, जिस ब्रांड का भी वो जूता है, तो उसमें लिखा हुआ होता है, एक अलग स्टिकर लगा हुआ होता है उसमें, तो ये चीज़ को बनाना है आपको, ठीक है? और अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद ये सेकंड ईयर ले सकता है, तो ट्राई करके देखते हैं छेड़ के, अगर शायद तैयार, हाँ ले लेगा। देखो कैसे टाइमिंग सही है ना, देखो कैसे एक दूसरे से कैसे कलर मिक्सिंग कैसे कर रहा है, फैल रहा है कैसे कलर। अभी इसको खींच के ले आते हैं नीचे, और यहाँ पर थोड़ा सा डार्क होगा क्योंकि ये जो है ना, इसका शेड शेडो यहाँ पे गिर रहा है, तो ये वाला पार्ट को
ठीक है, अभी चलो इस पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं हम लोग, तब तक ये जब तक कि तैयार नहीं हो जाता, ये वाला शेड्स बना देना है। हाँ ये ड्राई हो गया होगा, तो इस पे नीचे का डिजाइन बना लेते हैं हम लोग। ये डिज़ाइन यहाँ पर इसका ब्लैक साइक लाइनिंग जैसा है, वाला थोड़ा सा सेट्स कलर कर देंगे हम इस पे, बस बहुत ज़्यादा वाइट नहीं होगा, क्योंकि ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि जूता पुराना है, तो आपको जूता को देखते हुए आपको कलर करना है बस। अभी तक मैं कहीं पर भी बहुत ज़्यादा क्लीन कलर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जूते का आप देख सकते हो स्थिति जो है ना बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। ठीक है, जूता देख के ऐसा लगा कि इसको धुन के यूज किया गया है, पहना गया है जबरदस्त इसको। ठीक है, पैसा वसूल वाला जूता है, चारों तरफ से फैल गया है, तो फिर कहीं पे नया दिखने का, कलर क्लीन रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। थोड़ा फटाफट अगर ड्राई होना तो मजा आता काम करने में, और थोड़ा जल्दी हो जाता रहा। शेडो यहाँ पे गिरेगा, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो कलर आप चेंज करोगे तो पर्शियन ब्लू यूज कर सकते हो अगर आपके पास सेरिलियन नहीं है तो, क्योंकि सेरिलियन सेट्स में नहीं आता है, वो आपको अलग से लेना पड़ेगा, मैंने पहले बताया था आपको। तो ये हो गया, अभी थोड़ा आप इस पे डिटेल्स करना है, थोड़ा जितना भी डिटेल्स हो सकता है। सो ये फटा चिटा जो होता है, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको कवर करते हैं ये अंदर वाले को,
और ये चीज़ आपको डार्क कलर इसलिए करना है कभी कभी कहीं कहीं पे, क्योंकि ये कपड़ा है तो कहीं कहीं पे फोल्ड होगा, ठीक है। जूता ब्लैक में है तो आपको फोल्ड वहाँ पर थोड़ा डार्क कर देना है ताकि समझ में आए कि कपड़ा यहाँ पे मुड़ा हुआ है। अब इस पे क्या करना है, तो सबसे पहले इसको इसका शेडो बनाते हैं। यहाँ पे देखो ब्लू के साथ आपको थोड़ा सा ब्लैक मिक्स कर लेना है और इसका शेडो बनाते हैं, क्योंकि ये चीज यहाँ पर देखो एक बार मैंने कलर उठाया, क्योंकि शेडो में तो आपको और बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है, कलर चेंज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। परछाई में कोई कलर चेंजिंग होता नहीं है। और अगर आप थोड़ा डार्क करना चाहो तो उसको क्या करना कि आप वेट एंड वेट काम कर ले कर लेना, कहीं पे टच कर देना जैसे इस तरह का, तो ये हो गया इसका शेडो। अभी शेडो क्यों दिख रहा है पता है, क्योंकि ये यहाँ पर का जो होता है ना पोर्शन जूते का, वो थोड़ा सा इस तरह का उठा हुआ होता है, ठीक है। अब ये जब उठ गया तो नीचे तो शेडो गिरेगा ना, अगर ये बैठा हुआ रहता है बिल्कुल इस तरह से, लाइक अभी देखो यहाँ पे हाथ में देखो कि अगर इस तरह का बैठा है हाथ तो क्या शेडो यहाँ पे दिख रहा है, नहीं ना। लेकिन ये जैसे उठेगा, ये जैसे उठेगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेडो बन रहा है देखो। तो ये चीज, ये जूता यहाँ पे उठा हुआ है जिसका शेडो थोड़ा सा नीचे गिर गया, और ये फीता का शेडो इधर से गिरेगा। और इस पे थोड़ा सा करते हैं हम काम, ठीक है। अभी इस पे डिटेल करते हैं, चलो थोड़ा सा इसको अंदर में आउटलाइनिंग जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा खिचपिच लग रहा है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको आउटलाइनिंग पर काम करना पड़ेगा तभी ये अलग होगा, क्योंकि जूता का बिल्कुल हालत खराब है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, उसका शैडो यहाँ पे गिर जाएगा। ये फीता का है, तो यहाँ पर खिचपिच हो जाएगा ना, तो उससे आपको डरना नहीं है, आपको एक एक चीज को दिखाना नहीं है सबसे पहले चीज तो। लेकिन अगर आप बिल्कुल पॉइंटेड ब्रश से अगर थोड़ा सा आउटलाइनिंग पर काम करोगे तो वो चीज आप संभाल लोगे। तो यहां पे देख सकते हो थोड़ा सा यहां पे क्लियर दिख रहा है ना ये चीज, एक एक चीज को, और इसका शेडो यहां पे गिर जाएगा। वाला यहाँ आ रहा है, ये वाला यहाँ आ रहा है, इसका भी शेडो यहाँ पे गिर रहा है थोड़ा तिरछा,
ये इसका शैडो इधर गिरेगा, अंदर वाला पार्ट है ना ये, तो ये ठीक है। और अभी और थोड़ा सा कहीं पे हम लोग व्हाइट यूज करेंगे तो जिससे और ये निकल कर बाहर आएगा। जी वाला यहाँ आ रहा है और ये यहाँ पर आ जाएगा। पे तो बिल्कुल ये डार्क ही होता जाएगा क्योंकि सनलाइट जो है इधर नहीं पड़ रहा है, लेकिन बिल्कुल आपको गंदे कलर से ही करना है। थोड़ा कहीं कहीं ब्लू टच इसलिए आपको मारना है कि बिल्कुल इस पे फीते पे भी नजर जाना चाहिए, बस बहुत ज्यादा हाइट भी नहीं हो जाना चाहिए वो। तो ये और यहाँ पे अब हम लोग स्टिकर पे लिखेंगे चीज। यहाँ पे आपको बस सिर्फ शेडो ढूंढना है, फिर ये चीज क्लियर होने लगेगा। किसका शेडो कहाँ पे गिरना चाहिए ये चीज आपको ढूंढना है बस। थोड़ा सा बाकी जो भी डिटेल इस पे हम लोग कुछ व्हाइट टच मारेंगे फिर वो बाहर निकल कर आएगा। तो ये हो गया। अभी चलो हम लोग व्हाइट थोड़ा सा करते हैं यूज। व्हाइट आपको बिल्कुल थोड़ा मोटा कलर रखना है, ये सिर्फ फाइनल टच के लिए है बस। तो ये जूते में जो स्टिच किया हुआ है ना वो दिखाना है आपको व्हाइट से। और बिल्कुल पॉइंटेड ब्रश यूज करना है आपको, थोड़ा सा और ड्राई होता उसके बाद शायद हमको देना चाहिए था, लेकिन ये फैल रहा है। कोई नहीं, इधर करके देखते हैं अगर ये तैयार होगा तो।
इधर भी, और ये है तो देखो उस तरह का। ये स्टिच बनाने के लिए ना बहुत ही बहुत आप पॉइंटेड ब्रश यूज करना, वाइट पेन है तो आप यूज कर सकते हो। अभी अंदर वाले पार्ट को हम बिल्कुल डार्क कर देंगे ताकि जो ये चीज है वो बाहर निकल कर आए। तो ये आपको फाइनल टच इस तरह से करना है क्योंकि ये चीज पेंटिंग में जान डालता है। मैं बार बार ऐसे बताता हूँ आपको कि फाइनल टच के लिए आपको पॉइंटेड ब्रश यूज करना है और इस तरह का टच मारना है, आउटलाइन नहीं बनाना है बस। तो ये हो गया, अभी और कहीं पे चाहिए डार्क? क्या शायद यहाँ पर चाहिए? ये बिल्कुल डार्क चाहिए शायद, है ना, ताकि वो चीज क्लियर दिखेगा। और यहां तक है ये, और कौन सा है? तो इसका शेडो इधर गिरेगा, ये बिल्कुल कवर कर रहा है इसको। और कौन सा है? इसका शेडो यहाँ पे गिर रहा है, ये वाला यहाँ पे अंदर में होगा डार्क, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना ही ज्यादा है और बहुत कुछ खाना नहीं है इसमें। और अभी बैकग्राउंड बनाते हैं हम लोग। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए क्या करना है आपको कि इसके बारे में बता रहा था आपको, इस तरह का कोई भी राउंड ब्रश लेना है, थोड़ा सा बड़ा और गैम्बोज लेना है, ठीक है। कलर अपना चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो, कोई नहीं। तो कैम्बोज ब्रांशियाना, ये ब्लैक इस पे करते हैं, ठीक है। नीचे से ब्लैक करेंगे और ऊपर ऊपर में लाइट कलर करेंगे, ठीक है। और ये बैकग्राउंड ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, अभी आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पे इस तरह से लगाना है, और हाँ ये करना चाहते हो तो छोटा ब्रश तो भूल ही जाओ, आपको बड़ा ब्रश चाहिए। ये हो गया, अभी क्या करना है, अभी लाइट कलर करना है। तो गैम्बोज जो मैंने बनाया था यहाँ पर, उसको एक दूसरे से यहाँ मिक्स करना है, ठीक है। कलर चेंजिंग भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ऑरेंज भी लेना है। और फिर इसको क्या करना है,
ये थोड़ा सा कलर अगर आपको पतला हो ना तो ये ज्यादा फैलेगा और ज्यादा मजा आएगा। तो थोड़ा कलर पतला कर लेते हैं और यहां पर अप्लाई करते हैं। अभी देखना ये कैसे फैलेगा। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको शेयर करने वाला था कि आप इस तरह का बैकग्राउंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे जो पता है और मैंने जो सीखा है ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो मैंने इसलिए आपको शेयर कर दिया। और वाटर कलर पेंटिंग बनाते हो ना तो ये बैकग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आता है पेंटिंग में। ये ऐसा लगता है बिल्कुल छीटा मारा हुआ है। ठीक है, और कैनवास के साथ थोड़ा सा मिक्स करके यहां से छीटा मार देना है। तो ये था फाइनली। अभी तो ये पेंटिंग फाइनली कंप्लीट है और अभी हम इसको रिमूव कर देंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फाइनल टच मारते हैं व्हाइट में। अगर देखते हैं कहीं पे कुछ अगर लेगा तो, है ना। और ये जरूर बताना कमेंट करके कि ये चीज कैसा लगा आप लोगों को। बहुत लोगों को मजा आया होगा क्योंकि बैकग्राउंड एक नया तरीका है इस तरह का, कुछ अलग क्रिएट करना पड़ता है जो बहुतों को पसंद आता है बहुतों को नहीं पसंद आता है, इससे कोई इशू नहीं है। मुझे मजा आता है, मैं करता हूँ बस। अभी जब इस तरह का आप कलरफुल करोगे ना, ब्लू ब्लैक रेड, सॉरी ब्लैक नहीं, ब्लू रेड पिंक ये सब कलर मिक्स करो ना ऑरेंज, तो उसके बाद इस तरह से फूंक मारो, फिर देखो वो कैसे कितना इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, ये तो छोटा पेपर था इसमें जिसमें कि बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इसको मिला, जगह नहीं मिला फैलने का, तो लेकिन फिर भी पेंटिंग अच्छा लग रहा है। क्योंकि प्लेन जो होता है ना बैकग्राउंड वास करके, ये तो सभी लोग ऐसे ही बनाते हैं, तो आप कुछ अलग करो। ये जरूरी नहीं कि मैं सिखाता हूँ वही करो, कोशिश करो आप खुद कुछ अलग करने का। जैसे मैंने आपके साथ अपना नॉलेज शेयर किया, अपना तरीका बताया आपको कि मैं इस तरह से करता हूँ, आप दूसरों को बताओ कि आप कैसे करते हो। रात के 3 बज गए, चलो इसको अब मैं रिमूव करता हूँ। उसके बाद इसका लुक जो भी आता है, सॉरी मैंने पहले इसको कर दिया, ये पहले था, कोई नहीं, चलो फिर ये तो फाइनली पेंटिंग का ये लुक है। अब देख सकते हो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में, तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस करो। ठीक है, और मुझे इंस्टाग्राम में भेजो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से जाके, और वीडियो को प्लीज शेयर कर दो ताकि उन लोगों के पास भी पहुंचे जिनको जरूरत है। ठीक है, आप हर लोग अपने आईडी पे शेयर करो वीडियो को, अगर 4 लोग भी जुड़ते हैं ना, 4 लोग भी अगर सीखते हैं तो बहुत सारे लोग हम लोगों के साथ जुड़ जाएंगे और बहुत सारे लोग काम सीख जाएंगे। ठीक है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा वाटर कलर पेंटिंग हेल्प हो जाएगा जो पेंटिंग सीखना चाहते हैं, आर्ट फील्ड में जो आना चाहते हैं, और बेसिक कुछ एक स्टेप तो वो जरूर बढ़ ही जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्लीज आप शेयर कर दो अपने आईडी पर और वीडियो को जितना होता है फैलाओ। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, और कमेंट करके जरूर बताना कि स्टिल लाइफ पे और कितना पेंटिंग हम लोगों को बनाना चाहिए, भूलना मत। और अभी रात के 3 बज गए, तो
बाकी मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ, आपके कमेंट के हिसाब से कल टॉपिक चेंज कर लेंगे। तो तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।